विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। खबर है सियासत से और सियासत के व दुखती रख से जो मध्य प्रदेश के कहो न कहो इस समय हालात का बदल चुकी है और वह सियासत के शुरुआत एक कहो न कहो यह शेर से वसीर बद्र साहब के शेर से करी थे कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो डाल भी टूट सकती है। तो ये वसीर बद्र साहब कहो न कहो सियासत के बड़े जानकार रहे हैं और कहो न कहो जो उनका चोट हो रही वह वाजिब चोट हो रही। तो खबर यह है कि अब मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के विस्तार हो जा लग है। तो अपना पंचन को बता दी कि पूरी तरीके की ये पुख्ता जानकारी है जो उन्होंने अपना पंचन को बता दी कि लगभग 30 तारीख तक जो है ये मंत्रिमंडल के विस्तार हो सकता है। जो उन्होंने अपना पंचन को बता दी कि आज मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान शाह नड्डा उस संगठन मंत्री बीएल संतोष से मुलाकात कर सकत हैं। अगले जो महीना है जुलाई के उम मानसून सत्र आयोजित किया गया है जौने माँ संविधान के तहत 12 मंत्री हो जरूरी है। अपना पंचन को बताया दी कि यह 30 जून का जो मंत्रिमंडल विस्तार हो सकत है ओम संभावित नामन कलई के प्रदेश स्तर पर सहमत बनी गई। जौने माँ अपना पंचन को बताया दी कि नए चेहरा है प्रेम सिंह पटेल, चेतन कश्यप, मोहन यादव, अरविंद भदौरिया के नाम है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है अपन पुरान टीम का साथ में लेके चली है। यह साफ तौर पर समझ में आ रहा है जो उन्हें के नाम है गोपाल भार्गव, विजय शाह, गौरीशंकर बिसेन, यशोधरा राजे, राजेंद्र शुक्ला, रामपाल सिंह और भूपेंद्र सिंह ठाकुर का यह सूची में शामिल किया गया है। भोपाल से विश्वास सारंग और इंदौर से रमेश मेंदोला और मालिनी गौड़ के नामन माँ चर्चा है। अपना पंचन को बता दी कि लगातार जो है कहो न कहो शिवराज के मंत्रिमंडल के कहो न कहो उठा पटक के दौर जारी है और हालात यह है कि अब बिल्कुल कहा जाए कि भाजपा के विधायक कांग्रेस के विधायक जब कांग्रेस के मंत्रिमंडल रहा तब बेताब रहे, अब उनकर सरकार जो है खत्म हो चुकी है तो अब कहो न कहो अब वह चीज़ भाजपा में देखने को मिल रही है कि विधायक बेताब है वह सियासत के बिल्कुल ऊंचे ओहदा में पहुंचे खातिर। जो ने हम अपना पंचन को बताया दी कि यह बात की जानकारी जो सूची है संभावित सूची जो अपना का बताया नहीं कर जानकारी संघों के संघ का दे दिन गई ही। जो ने माँ क्षेत्रीय प्रचारक जो हैं दीपक पिसपुते का जानकारी दे दिन गई ही और 30 जून का जो है मंत्रिमंडल विस्तार हो सकत है। अपना पंचन को बताया दी कि शनिवार का जो है देर रात तक मंत्रिमंडल विस्तार का लेकर चर्चा की इनके जौने में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा संगठन मंत्री सुहास भगत के बीच बात भय एक के बाद जो है नेता मंत्रालय में मुख्यमंत्री से मिले पहुंचे। जौने में देर रात मंत्रिमंडल विस्तार का लेकर दिल्ली में जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके सामने जो पक्ष रखा जाए है ऊपर जो है चर्चा भय कि का वहाँ जो है सूची बताबेक है और कौन कौन लोगन के का अहमियत बताबेक है यू पर चर्चा है। अपना पंचन को बता दी किंतु एक्सपर्ट्स जो है मंत्रिमंडल विस्तार काहे जरूरी है यह बताएं। अपना पंचन को बता दी कि जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और सांसद विवेक तनखा के कहब है कि कैबिनेट के बिना बजट के अनुमोदन नहीं हो सके, कहे कि जो यह सत्र आयोजित है मानसून सत्र जुलाई में ओके ओमा उनके द्वारा कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 164 1A के अनुसार मंत्रिमंडल में कम से कम 12 मंत्री के हो जरूरी है लेकिन मुख्यमंत्री का आपातकालीन शक्ति अधीन गए है भी मतलब मिली है और संसदीय मामला के जानकार जो हैं सुभाष कश्यप के कहब है कि मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री का चाहिए कि कम से कम 12 मंत्री बनावें लेकिन बजट के अनुमोदन के प्रश्न है जो ओमा यह गैर संवैधानिक नहीं है, पांचों मंत्री जो है यह बजट पेश कर सकते हैं और ओमा कार्यवाही हो सकती है किंतु मंत्रिमंडल विस्तार हो चाहिए उनका कहा है 4 से 5 पद खाली रखे जाएं। अपना पंचन को बताया दी कि मंत्रिमंडल में 4 से 5 पद जो है खाली रखे जाएं, एमा सहमति बनी गई है केंद्रीय नेतृत्व से
जो उन्हें हम अपना पंचन का बता दी। बसपा से संजीव कुशवाहा, निर्दलीय विधायक जो है प्रदीप जायसवाल का मंत्रिमंडल में ले में विचार भा है, लेकिन या दूसरे मंत्रिमंडल तक टल सका थी। पांच जो चार से पांच मंत्रिमंडल खाली रखे जाए ही, एका जो है दूसरे मतलब या 30 जून के बाद जो मंत्रिमंडल विस्तार हुई ओके खेती रखा जाए। अपना पंचन का बता दी कि ए मां सबसे बड़ा फायदा यदि केहू को मिला है ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकन का, जो उनकर समर्थक हैं उनमें से 9 जनिन का यह सूची में शामिल किया गया है। अपना पंचन का बताया दी कि भोपाल से जो है एमा जो नाम है विश्वास सारंग, रमेश्वर वर्मा, इंदौर से रमेश मंदोला और मालनी गौड़मा को एक, मतलब इंदौर से रमेश मंदेला और मालनी गौड़मा कोनो एक रही। और जो सूची है संजय पाठक, अजय बिश्नोई, नागेंद्र सिंह नागौर, जगदीश देवड़ा, ब्रिजेंद्र सिंह, हरिशंकर खटीकव के नाव है। कांग्रेस से भाजपा में आए जे उनका नाव यमें है कि महेंद्र सिंह सिसोदिया, इमरती देवी, प्रद्युमन सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, एंदल सिंह कसाना, हरदीप सिंह डंग, रणवीर जाटव, बिसाहूलाल सिंह के नाव सूची में है। और उज्जैन से जो पारस जैन है, रायसेन से सुरेंद्र पटवा, करण सिंह वर्मा, जालम सिंह पटेल पर जो है प्रदेश में सहमति नहीं आए। दिल्ली पर एक निर्णय छोड़ा गया है कि ये जो नाव है उज्जैन से पारस जैन, रायसेन सुरेंद्र पटवा, करण सिंह वर्मा, जालम सिंह पटेल, ये माँ इनका जो है दिल्ली में छोड़ा गया है। दिल्ली में जो में दिशा निर्देश प्राप्त हुई तब जाके कहो न कहो यह पूरा मंत्रिमंडल के सूची फाइनल हुई। किंतु सबसे बड़ी बात ये पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में यह सीधे तौर पर अपना समझ ली कि शिवराज जो है एक तो सिंधिया के जो विधायक है, समर्थित विधायक है, उनका नौ जनिन का मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हैं। और आपन पुरान टीम जोने में गोपाल भार्गव, राजेंद्र शुक्ला अन्य लोग हैं, उनका यह पूरी टीम में ले लागे। तो यह देखब दिलचस्प हुई 30 जून का बिल्कुल यह कहा जा रहा है 99.9% यह मंत्रिमंडल के विस्तार हो रहा है। शिवराज सिंह आज जो है केंद्रीय नेतृत्व से मिल सका थे, पूरी सूची अपना का हम बता ही चुके हैं। अब देखब दिलचस्प हुई कि के शर्मा ताज होते और के का मिला था काटो भरा ताज। कहे कि यह बात कही जाए कि यह पूरे मध्य प्रदेश के सियासी ड्रामा में बहुत विधायक है। अब देखब दिलचस्प हुई कि कमलेश्वर पटेल पूर्व मंत्री कांग्रेस के द्वारा साफ तौर पर कहा गया रहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार तो हो दी अगस्त में झंडा हम ही फहराऊ, मतलब कमलनाथ फहराई तो मतलब कहो न कहो वो मंत्रिमंडल एक असंतोष तो पैदा करी। अब देखब दिलचस्प हुई कि असंतोष कहाँ जाते भाजपा में या कांग्रेस में या फिर उपचुनाव तक या असंतोष के दौर जारी रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। कहे कि कोरोना वैश्विक महामारी के कौनो अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है। कहे कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।